आज संडे है भैया, और संडे है तो आज फंडे है, और बच्चन के लिए तो आज अलग ही बात है क्योंकि इन्हें चाहिए नई चीज। तो आज बना रही हूँ मैं पाव भाजी। सब्जियाँ कट गई और अब जिन्हें धोए के देखो कुकर में चढ़ा रही हूँ क्योंकि ये मैं धोए के जामे डालेंगे ना तो जाको जो पानी होगो पानी डरे वो बल्बे में वो काम आ जाओ। वैसे तो जी पानी अपन फेंक देंगे उबाले पानी है, लेकिन जब धोए के अपन डालेंगे जामे सब्जी तो का है काम आ जाओ जी पानी। जामे मैंने लई है गोभी, पत्ता गोभी, गाजर और आलू और मटर। मटर तो जी मान लियो कि सर्दी को राजा है, लेकिन मेरी एक परेशानी है कि मैं मोड़ा नहीं खावे भाई, मटर से ही नफरत है। दुनिया में एक ऐसा बंदो है का मटर ना पसंद। या तो मटर खाओ तो दो सब्जी बनाओ, नहीं तो फिर वो तो वो नहीं खाओ। आज तो कुछ वहाँ भी बदई है कि मैं छांट छांट के खा लूँगा सब्जी, क्योंकि वो तो पाव भाजी है कहीं खावे वो। और कोई सब्जी होती तो मटर नहीं डालन दे वो मैं। ये बढ़िया धो लेगी अपन ने सब्जी, पानी डाल दो जामे। अब जामे डालेंगे थोड़ा सा नमक, बात एक है नमक को स्पाइसी सब्जी में तो डालना ही अपन ने। थोड़ा सा जामे चढ़ा दिया तो जल्दी जल्दी पक जाते हैं और इनको कलर वैसे को वैसे ही रहे वो। ये कुकर चढ़ा दो अब सब्जी उबल जाएगी और ये मिर्च देंगे लाल, आज ये धो के सुखा देंगे। आज इनको अचार डाल रहा हूँ, जाकी रेसिपी तो मैंने बताऊँ जी। अधिकतर राजस्थान में ही आते हैं मिर्च, और जगह को तो आने लगी सब जगह, पर हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही आते हैं सर्दी में जी वाली मिर्च। तो इनको अचार डाल रहा, बहुत बढ़िया अचार बनता है, बहुत ही बढ़िया। ये अभी सुखा देंगे खाली धो के, क्योंकि पानी रह जाओ तो ये अचार नेको नहीं टिके वो, जहाँ चक्कर में कहा धो के रात और सूख में रख देंगे। अब मसाले की तैयारी हो चुकी है, अब जामे डालेंगे अपन प्याज, वो प्याज पीस लेंगे। चाहे तुम चाहे कह लो ग्रेवी बना लेंगे, पशु भी कह लो। ये जामे मिसर प्याज अपनी अपनी प्याज पीस गई है, अब जामे अपन डाल देंगे मसाले। डालेंगे ये लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और थोड़ा सा गर्म मसाला, बाकी पाव वाली मसाला फिर बाद में डालेंगे अपन। ये जाइए मैं पीस लेते हैं साथे, बढ़िया नॉन मिक्स है जाए वो। ये अपन जाए निकाल लेंगे कटोरा में, तो अपन टमाटर पीस लेंगे। डाल भी तो खड़ी उड़ा दो कुछ मन ही ना ने, पर आजकल के मोड़ा मोड़ी खाए ना टमाटर प्याज प्याज खड़ी ना खाते, बाकी चक्कर में खा सब चीज़ पीसनी पड़ जाती। पहले के ज़माने में सिल्लोड़ा पीसते पर वहाँ में का स्वाद भी बढ़िया तो पर लेकिन टाइम लग दो। आजकल का है एक खटका दबाऊ ले बढ़िया टमाटर पिस गए, एक खटका दबाऊ प्याज पिस गई, एक खटका दबाऊ को भी सब्जी करे, काम आधे रह गए। पर जी अपन खोलता कुकर तो देखेंगे अपन जाने अपनी सब्जी है इनके नहीं। अपन ने जो सब्जी उबाली थी ये देख लो बढ़िया उबल गई, ये देख लो फूल का देख लो जैसे, ताकि मैश करी में आराम मिल जाए है ना। गर्मी लग जाएगी उसी का स्वेटर उतार दूँ, तेल भी गर्म हो गया था मेरे। मजा में डालेंगे तुम राई और जीरो, हरी डाल दी जाना हरी मिर्च,
अब हम रख देंगे बंद, ये कूट पीस के रखेंगे जो मसाले प्याज लहसुन वाला यह रख देंगे। ऐसे तो जो दुच्छ दुच्छ करो मसाले ताकि कसूर बन रहे, ऐसे भी तो कसूर आने आती और फिर होगा जी मन की शांति के लिए कर लियो। अब जहाँ बना रहे हैं लहसुन भी जो अपन ने कूट के रखोगे, लहसुन में मसाले में नहीं पीस सकते क्योंकि मसाले में संग पीसे तो ऐसा कसूर ना आती थी। लहसुन डालो गए सोचे मैं वो लहसुन चल रहा है 100 रुपया को पावर और ऊपर से भाई खुशबू नहीं आए का फायदा किए है ना, गर्मी है लगी कि मुहे लग रही है बताइए भैया को कमेंट करके तुम्हारी गर्मी आएगी। डालेंगे थोड़ा सा अमचूर, अपने हिसाब से डालनी हुई है चाहे जितने खट्टो खानो है, मैं तो थोड़ा खट्टो भी ज़्यादा खाती हूँ वो अपने हिसाब से डालनी है। कम तेल मसाले में बढ़िया चीज़ बन जाते हैं, ज़्यादा पकून न रात में ये डालो वो डालो वो डालो ना भैया, चप जो अपने चार मसाले हैं गिनती के बिनते सब्जी बनाती हूँ। अब ये डालते हैं अपन ने पिसे हुए टमाटर, पिसे हुए टमाटर डालते हैं बजा में। हाँ भैया अपनी मसाला को काम खत्म, चल भैया तू जा अपने घर को। अब देखो बढ़िया मसाला अब भुजा हुआ, ये देखो ऐसी बढ़िया ग्रेवी आई है, ये देखो। अब अपन दोनों क्या करेंगे, ये अपनी जो आलू और वो है ताजा मैस कर लेंगे। अब जो अपनी ग्रेवी पकवे लग गई है अब डालेंगे यहाँ अपन पाव भाजी मसाले जी, मैं लेती हूँ आपको कंपनी की लेती हूँ वो अलग बात है, मैं तो योरिका को लेती हूँ, ये अच्छे आ रहे हैं आजकल मसाले, पहले MDH पे MDH क्यों लेती लेकिन अब जी वाले डालने लगी तो ये अच्छे आ रहे हैं। और ये अपनी देखो सब्जी बिल्कुल मैस रह गई और अपन अब जामें अपनी सब्जियाँ डाल देंगे। देखो सब्जी की शक्ल ये देखो अब बनी है सब्जी, 10 मिनट और लगेंगे सब्जी बन जाएगी फिर तुमने खवाऊंगी। आज ही बेसन खाई पाव भाजी खा के देखी बड़ी चटपटी बनेगी, अपनी सब्जी बन गई देखो पाव भाजी गिर गई होती आप लोगों के चक्कर में, सॉरी भाजी बनी है पाव तो आप सेक रहे हैं, सब लोग तो बटर से सेकते हैं लेकिन मैं क्या घी से सेकती हूँ, बटर से ऊपर से डालते हैं हम लोग भाजी में और जो पाव है वो मैं घी से सेकती हूँ कि खाना तो अपने बच्चों को ये घी खिलाओ ना, फिर बटर भी ठीक है मेरे बच्चों को भी घी के ही अच्छे लगते हैं इसलिए घी से बनाते हैं पाव। एक बार तो लाइक कमेंट कर दो जिससे पता पड़ जाए क्या बनाना है क्या ना बनाना है, मैं सही बना रही हूँ ना बना रही, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी मेरी भाषा ऐसी है भैया को ब्रो मत मानियो, आप करके तुम करके जा मैं कहा थोड़ा मजा ना, अब तुम लोग तो मेरे घर के हो तुम अंत का लाग लपेट करूंगी। लो आप पूरी थाली तैयार, मेरे पाव भाजी ये प्याज ये नींबू और ये सब्जी तैयार, जल्दी जल्दी आ जाओ सारे के सारे खा लियो आ जाओ, बाय बाय। अगर मेरे ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दियो और राम राम।